हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो हो चुकी है सुबह और मेरे पति देव जी नाश्ता, मेरी बंदी सही जगह पे, मेरे पति देव जी नाश्ता वाश्ता करके जा चुके हैं ऑफिस। तब मेरा मन नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने कुछ खाया नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और कुछ नाश्ता पानी भी कर लेते हैं। और आप सभी को हैप्पी सावन। सावन में मैंने पहन ली है हरी हरी चूड़ियाँ मेरे हाथों में, नहीं कौन सा गाना था, हरी हरी चूड़ियाँ, नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, तो करते हैं नाश्ता। आज मेरा मन कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। फिर मेरा मन हुआ कि मैं दूध और ब्रेड खाऊं, जो कि मैं बचपन में बहुत खाती थी। तो मैंने सोचा खा लेते हैं आज भी। लग रहा होगा सोया सोया जैसा, लेकिन मैं सो नहीं रही थी। अभी सुबह के बज रहे हैं, मे भी 10:30 के आसपास हो रहे। तो मेरे को बहुत आलस आ रहा है मेरे शरीर में, मतलब आलस, मतलब इतना आलस कि क्या बताएं। मैं स्पून लेकर के आती हूँ, तो मुझे इतना आलस आ रहा है कि मेरा मतलब खाना खाने का भी आलस में मन नहीं कर रहा है, बस ये समझ लो आप लोग। तभी मैं खा लेती हूँ फटाफट से दूध और ब्रेड। बहुत टाइम के बाद से दूध ब्रेड खा रही हूँ, बहुत टाइम के बाद से। मैं 4-5 महीने पहले जब मैंने अपने दांत निकलवाए थे, मेरे एक दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला निकालना पड़ेगा इसको। तो तब कुछ खा तो सकते नहीं थे, और उसके बाद से आज खा रही हूँ। किस किस को दूध और ब्रेड खाना है, खाना पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन मेरे जैसा है। नाश्ता करने के बाद से मुझे करना है बिस्तर से। आप देख सकते हैं सब फैला हुआ है, इधर भी और इधर भी सब फैला हुआ है। तो इसे भी सही करना है, मतलब लिटरली सही बताऊं, पिछली बार जब मम्मी लगा गई थी तो मैं दिन भर बोर हो जाती थी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नाश्ता करना है, और नाश्ता करने के बाद से मुझे बिस्तर वगैरह सही करना है जो कि पूरा फैला हुआ है। लेकिन मुझे इतनी आलस आ रही है कि मैं फिर सोफे पे आके मैंने सोचा कि चलो 11 बजे तक उठेंगे, थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद से रेस्ट कर लेते हैं। 11 बजे तक मैंने फ़ोन चलाया, उसके बाद से 11 बजे के बाद फिर आके सोफे पे लेट गई, फ़ोन चार्ज में लगाए, थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने कहा चलो आज काम कर लेते हैं। बैठे बैठे फिर पसर गई सोफे पे और अब उठने का मन नहीं हो रहा है मेरा कि मैं काम करूं। बहुत आलस आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। हे भगवान, इतना आलसी मत बनाओ मुझे।
अब देखते हैं, अभी तो बज रहा है 11:30 हो गया, 11 बजे उठते उठते अब देखते हैं कि कब मेरा समय होता है। लेकिन नहीं, अब आलस छोड़ के, मेरी आंखों से बहुत ज्यादा पानी भी आ रहा, आलस छोड़ करके उठते हैं, काम कर लेते हैं। मैं अपना आलस छोड़ करके उठ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं करने की इच्छा हो रही। तो आज थोड़ी सी, इतने दिन के बाद से धूप निकली है, तो मैं सोच रही हूँ कपड़े वपड़े धुल लूँ और चादर वगैरह भी धुल लूँ। तो कर लेते हैं धुलाई, ये भी धोना है। पहले चादर वगैरह धुलने की थी क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, बारिश का पूरा मौसम हो रखा था, और ये हालत है मेरे रूम की। ये साड़ी मैंने कल पहनी थी, इसको मैं धुली नहीं हूँ, ये भी धुलना है, फोल्ड तक नहीं करी हूँ यहाँ के भी। बस भगवान जी, आज कपड़े धुल रही हूँ, बरसना नहीं, नहीं तो सब टाइम आउट हो जाएगा। Thank you.
लगभग लगभग वो का काम हो चुका है, बस उस रूम में चादर बिछाना रह गया है और मुझे अभी लग गई है थोड़ी सी भूख, तो ऐसे कर लेते हैं पेट पूजा, क्योंकि सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नाशपाती बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जा रही हूँ खाने नाशपाती। क्योंकि मैं दो तीन दिन पहले गई थी जब कुछ सामान लेने के लिए मंडी मार्केट इनके साथ, तो मैंने इसे देखा था पर उस टाइम ले नहीं पाई क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा सामान था इस वजह से। तो मैंने को तभी से मन कर रहा था खाने का, मैंने इनसे कल बोला तो ये कल मेरे लिए लेके आई थी और कल आते आते मैंने तीन चार खा लिया था उसी टाइम।
कपड़ा धुला मैंने और भगवान जी मेरे ऊपर मेहरबान हो गए। इतनी तेज बारिश की क्या बताऊँ, और अभी तक की धूप था, अचानक से ऐसा मौसम हुआ। अब मैं करूँगा। सो गाइज, हमारा खाना पीना हो चुका है, हम लोग खा चुके हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं रामायण। ये वाली रामायण मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे कुछ दिनों से मन हो रहा था रामायण देखने का, तो मैंने कहा क्यों ना देखा जाए। सो अभी मेरा डेली का ये रूटीन है कि खाना खाने से पहले से हमारा रामायण स्टार्ट हो जाता है। खाना खाते खाते हम लोग रामायण देखते हैं और फिर थोड़ी देर देखने के बाद से फिर सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे वहीं से उसी एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी देखा करो, मन को शांति मिलती है। सो इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।